नमस्कार दोस्तों, ये है डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ 26 फरवरी। थोड़ा लेट आज अपलोड कर रहा हूँ, बट चलिए पहले देख लेते हैं। पिछले क्लास का एक डाउट था किसी को, ठीक है, किसी ने पूछा था दैट यार यहाँ पे तो आठ, देखियो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 और 8, 8 स्टेट्स है, बट हम इस तब भी यहाँ के नॉर्थ ईस्ट को 7 सिस्टर्स कहते हैं, क्यों है ना। तो उन्होंने, भाई साहब ने बोला था दैट ये सिक्किम जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का पार्ट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, सिक्किम भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पार्ट है, बट देखिए सिक्किम जब इंडिया में इंटीग्रेट किया गया था ना, तब था 1975 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 1975 को सिक्किम को इंटीग्रेट किया गया था इंडिया में, है ना। और उससे पहले से नॉर्थ ईस्ट रीजन को 7 सिस्टर्स कहा आ रहा है, और तब नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये सब को, ये सारे 7 यू नो स्टेट्स इंक्लूडेड थे, ठीक है, इसलिए इनको अभी भी हम लोग 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। बट अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन टोटालिटी ले लीजिए तो 8 स्टेट्स है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें हमारे ये सिक्किम भी इंक्लूडेड है, ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। पहले देख लेते हैं दोस्तों एक कमिटी के बारे में जिसका नाम है YH मालेगाम कमिटी, है ना, इनका पूरा नाम है यजदी हिरजी मालेगाम कमिटी। एंड बेसिकली क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी तो देख ही रहा बैंक के इतने फ्रॉड्स चल रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल रिजर्व बैंक के एसेट क्वालिटी रिव्यू को अच्छे से फिर से मतलब फिर से देखने के लिए दैट कहीं कहीं खामी तो नहीं छूटी है, ठीक है, वो और साथ ही साथ बैड लोन्स जो हमारे इंडिया में जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका प्रॉब्लम्स को उसका प्रॉब्लम्स का कोई तोड़ निकालने के लिए इस YH मालेगाम कमेटी का इंट्रोडक्शन किया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछेगा भी तो किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया है ना, तो वही पूछेगा, है ना, तो बस बैंकिंग रिलेटेड ही कोई आपके पास एक ऑप्शन रहेगा अलग सा और उसी को आपको टिक कर देना है, बस इसीलिए। जो भी कमेटी के बारे में होता है ना उतना डेप्थ में हमें जानना ही नहीं पड़ता है, बट स्टिल हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा दैट किस किस चीज़ के लिए इस कमेटी का संगठन किया गया, ठीक है, वो हम लोग जान लिए। नेक्स्ट एक स्पीशीज के बारे में जिसका नाम है एचिंडाज, ठीक है, ये मिलता कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, दैट इज देखिए ऑस्ट्रेलिया ऐसा कुछ कंट्री आप ऐसा मिलेगा, ठीक है, और पापुआ न्यू गिनी उसके ऊपर ही ऐसे कुछ एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये स्पीशीज जो है ये मैमल है बेसिकली, और मैमल सबसे वार्म ब्लडेड होता है, ठीक है, इसके ज़्यादातर मैमल्स के मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और इनके शरीर पे बाल होते हैं, ठीक है, ये कुछ कुछ फैक्ट मतलब कुछ कुछ बात है मैमल्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चंस आ चुका है प्रीलिम्स में, है ना, मैमल्स का स्पेसिफिकेशन को लेकर। तो एनीवेज ये तो हो गया। अच्छा, अब ये न्यूज़ में था क्यों, क्योंकि देखिए वैसे तो IUCN का कैटेगरी में इसको लीस्ट कंसर्न में रखा गया, ठीक है, बट स्टिल मैमल जो है कुछ कुछ एरिया ऑफ द वर्ल्ड है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि उस जगह का लैंड को क्लियर किया जा रहा है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर बोला गया दैट 2015 में कंगारू आइलैंड में, दैट इज ऑस्ट्रेलिया में, इट वॉज इनलिस्टेड एज इंडेंजर्ड, बट वहीं पर रिमेनिंग पॉपुलेशन दैट इज पापुआ न्यू गिनी, दैट इज इस रीजन में जो है यहाँ पर अभी भी इसको लीस्ट कंसर्न में ही रखा गया है। एंड कहा जा रहा है इट मे बी द वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैमल्स अराउंड विच हैव बीन एग्जिस्टेड सिंस पास्ट 25 मिलियन ईयर, ठीक है, तो ये कुछ कुछ फैक्चुअल बात थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2018 के बारे में, न्यूज़ में इसलिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है, और इसका मेन मोटो यही है दैट हमें आइडिया मतलब हमारा जो इंडिया का जो आइडिया है ना दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो उस आइडिया को बेसिकली प्रमोट और सेलिब्रेट करना है, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर। और इस इवेंट के तहत दोस्तों डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स वेदर इट बी क्लासिकल फोक म्यूजिक डांस थिएटर लिटरेचर तो या फिर विजुअल आर्ट फॉर्म्स भी जितने सारे हैं उसको एक स्टेज में परफॉर्म किया जाएगा और वहाँ पर डिफरेंट रीजन्स के लोग उसको देखने आएंगे, है ना, और क्योंकि डिफरेंट रीजन्स के लोग आपस में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो इसलिए कहा जा रहा है दैट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का भी कॉन्सेप्ट को प्रमोशन मिलेगा, है ना, और इसी के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत का ऑब्जेक्टिव भी पूरा होगा सरकार का। नेक्स्ट है हेवी वाटर बोर्ड के बारे में, ये बोर्ड किस लिए न्यूज़ में था पहले तो ये देख ले दो, तो एक कोलाबोरेटिव एग्रीमेंट साइन किया गया जिसके तहत बोला गया दैट 20 टन ऑफ हेवी वाटर को सेल किया जाएगा इन अ ईयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्यूटेरियम लेबल्ड कंपोनेंट्स। देखिए ये बेसिकली हेवी वाटर को हमें कॉन्सेप्ट जानना है और हेवी वाटर बोर्ड के बारे में थोड़ा कुछ कुछ फैक्चुअल बात जाननी है, ठीक है, तो पहले हेवी वाटर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हेवी वाटर को हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड दैट इज D2O भी कहते हैं,
और ये एक फॉर्म ऑफ वाटर है जहां जिसमें हाइड्रोजन आइसोटोप दैट इज ड्यूटेरियम का संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए इसको हेवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है. एंड द इंक्रीज इन मास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यूटेरियम गिव्स इज अ डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. इसी के कारण इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली यू नो ड्यूटेरियम का मास बहुत ज्यादा है, प्रेजेंस इस में बहुत जाता है, इसीलिए ये काम करती है. मतलब इसके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी जो चेंज हो जाती है, इसके लिए ये न्यूक्लियर पावर या फिर रिसर्च रिएक्टर्स में आपका मॉडरेटर या फिर कूलेंट का काम करती है, ठीक है. ये कुछ कुछ मतलब हेवी वाटर के बारे में फैक्ट बात थी. अब ये हेवी वाटर बोर्ड जो है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा दैट किस मिनिस्ट्री के मतलब किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है. तो इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है. तो ये थी. नेक्स्ट है यूएस टाइटन्स एचआईवी वीजा रूल, है ना. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे उन्होंने पहले ही इंडिकेशन दे दिया था दैट एचआईवी वीजा रूल के नॉर्म्स जो है बहुत ज़्यादा टाइटन करने वाले हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा बोला गया था दैट आईटी कंपनीज जो है उनको काफ़ी ज़्यादा जो कि एचआईवी वीजा की काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है. इनफैक्ट इंडिया से तो सबसे ज़्यादा एचआईवी वीजा का बेनिफिशियरी, ठीक है. तो अब ये इसका अगर रूल को टाइटन कर दिया जाए तो इंडिया के लोग जो है वो अमेरिका में जाकर ज़्यादा जॉब नहीं ले पाएंगे, ठीक है. तो एचआईवी वीजा वही होता है दैट कोई जो हाईली टेक्निकल लोग होते हैं तो उनको प्रोफेशनल लोगों को यू नो वहाँ पर जाके जॉब मिल जाता है, ठीक है, एचआईवी वीजा को इशू करने से. बट क्योंकि अभी आपको पता है दैट बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ गया है हमारा जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ट्रंप सरकार की, तो इसलिए वो लोग सब समय बोलते हैं अमेरिका फर्स्ट, जिसके तहत सब हर तरफ से बोला जाता है दैट यार दूसरे लोग आकर मतलब दूसरे देश के लोग आकर वहाँ का नौकरी को क्यों छीन ले रहे हैं, ठीक है. तो इसलिए उनका ऑब्जेक्शन हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा पूरा प्रेशर गिर रहा है और कहा जा रहा है दैट अभी ये जो है नया पॉलिसीज जो आएगा आने वाला है एच आई वी वीज़ा को रूल को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा हार्डर रहेगा, ठीक है. तो अब देखते हैं जैसे न्यूज़ बढ़ता रहेगा वेल वैसे बोलते रहेंगे हम लोग. नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए दोस्तों ओम्बड्समैन स्कीम का इंट्रोडक्शन किया गया है आरबीआई के द्वारा. इसके अब ओम्बड्समैन का मतलब क्या होता है, ये ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम होता है जहां पर कस्टमर्स अपने ग्रीवांसेस को रिड्रेस करवाते हैं, है ना. और कोई भी कस्टमर्स या फिर पर्सन इसमें फाइल कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से यू नो उसको यू नो इंटरेस्ट पेमेंट में डीले हो, या तो उनका इंटरेस्ट को पेमेंट ही नहीं किया जाए, या फिर नॉन पेमेंट और रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, या फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी लोन एग्रीमेंट ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ये ओम्बड्समैन के पास कोई भी कस्टमर या फिर पर्सन इन पर्सन जाके कंप्लेन कर सकता है और उसका कंप्लेन का निपटारा हो जाएगा, ठीक है. सो ये था इस न्यूज़ के बारे में. नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम के बारे में. एक्चुअली इंडिया न्यूज़ में इसलिए था कि इंडिया ने सऊदी अरबिया को पार्टिसिपेशन को लिए इनवाइट किया सऊदी अरबिया को, और बोला गया दैट हमारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में आप लोग अभी पार्टिसिपेट कीजिए, है ना. पहले तो देख लेते हैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता क्या है. दोस्तों देखिए आपको तो पता है दैट हम लोग तेल को इंपोर्ट करते हैं वेस्ट एशिया से, ठीक है. तो उसके लिए क्या होता है ना, ऐसा नहीं ना हर रोज़ तेल को इंपोर्ट करो, हर रोज़ यू नो उसको रिफाइन करके फिर यू नो आपका मार्केट में बेचो, वो तो उतना तो पॉसिबल नहीं है ना. तो क्या करता है ना, लॉट लॉट में हम लोग मंगा लेते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और उसको एक जगह कोई रिजर्व जगह में रख दिया जाता है, ठीक है. अब ये रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट कब से आया पहले तो ये देखते हैं. देखिए 1990 में क्या हुआ था ना, गल्फ वॉर हुआ था, उसमें वेस्टर्न एशिया पूरा इनगल्फ हो गया था उसमें, है ना. और उसी के कारण सप्लाई रुक गया था इंडिया में, और तब ऐसा सिचुएशन आ गया था जब बोला जा रहा था एनर्जी क्राइसिस होने वाला है ना. इसके तहत क्या होगा, मतलब तब ऐसा सिचुएशन आ गया था ना, सिर्फ 3 दिन के लिए ही हमारे पास रिजर्व बचा हुआ था तेल का, ठीक है. मतलब 3 दिन के बाद अगर 3 दिन से अगर ज़्यादा ये चल जाता ना, ये अगर मतलब आता नहीं उधर से तेल, तो हम लोग मतलब इकोनॉमी हमारी पूरी डाउन हो जाती, ठीक है. ऐसा सिचुएशन आ गया था. तो बट वैसा सिचुएशन को मतलब क्राइसिस को हटा दिया गया, वो तो बात की बात है. बट क्योंकि वैसा सिचुएशन आ गया था ना, तो तब सरकार का दिमाग की बत्ती जली सरकार की, और सरकार ने सोचा चलो भैया अब स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए. अब ये सब स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है ना, यूजुअली अंडरग्राउंड होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा तेल क्रूड घुसा दिया जाता है, समझ रहे बात. मतलब बहुत दिनों का 9-10 दिन का घुसा दिया जाता है, अब कोई टेंशन नहीं, एटलीस्ट आने वाले 9-10 दिन को तो कोई टेंशन नहीं, पहले कम दिन का रहता था, ठीक है. अभी 9-10 दिन से भी ज़्यादा हो सकता है, बट दैट इज मतलब मैथ तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का, ठीक है. तो उसी के लिए उसी के तहत ये न्यूज़ है दैट हम लोग अभी 3 लोकेशन दैट इज विशाखापट्टनम मैंगलोर और पदूर जो क्या उदुपी में नियर उदुपी, तो यहाँ पर यू नो बनाने का सोच रहे हैं. इनफैक्ट
5 मिलियन मेट्रिक टन्स का, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी है इसका स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल, जिससे स्टोरेज इंश्योर किया जा सके। और 1990 में जैसे एनर्जी क्राइसिस वाला एक सिचुएशन आ गया था इंडिया में, वैसा सिचुएशन फ्यूचर में ना आए, ठीक है। तो इसके तहत बेसिकली इसको कंस्ट्रक्शन जो है होता है ना इस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का, इसका मैनेज किया जाता है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड द्वारा, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जो मतलब पूरा दैट इज, एंड दिस स्पेशल पर्पस व्हीकल इज होली ओन सब्सिडियरी ऑफ ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड विच इज फॉलिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये तो खैर थोड़ा रटने वाला है, तो एनी वेज रट लीजिएगा, है ना। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट इट। एंड हाँ, इकोनॉमिक सर्वे का भी आप अगर लेसन देखना चाहते हो तो नीचे लिंक पे दिया हुआ है सब कुछ, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, कल के क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच।